अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिनिश नाम और हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल बासित खान। सब हमारे मुंह पर ही कर लें, थूकना है आवाज बैठी हुई होती है हमारे मुंह पर ही तुम्हारा मुंह सामने अच्छा खैर छोड़े यार, बस इंतजार कर रहे थे जैसे ही बात कंट्रोल करूंगी मैं अब्दुल तुम करो तुम। हाँ ये क्या है, चलो ठीक है, ये तो हंस हंस के आई ना, अब तो पहले बैठ के इंतजार कर रहे थे, बोलेगी ना हमारे साथ है अच्छा क्या अच्छा बाजी हमारा जो यार आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए, मैं बहुत सीरियस बात बताने वाली हूँ। बताओ हमारा जो दूसरा चैनल है पार्क रिएक्ट के नाम पे उसका भी नाम हम लोग अभी चेंज करेंगे, सही है, वो चेंज करेंगे हम वेरी नाइस वो चेंज करेंगे हम लोग उस सूरत में जो हमारा व्लॉग चल पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंतजार करूँ, उस मैंने व्लॉग्स डाले जैसा कि आप लोगों को बोले जैसा कि आपको पता है, उन सबको तो पता ही है, लेकिन मुझे हाँ लेकिन मुझे इन सब से एक शिकायत है यार कि मैं ये चाह रही हूँ मतलब जो यहाँ पर देख रहे हैं वो जबरदस्ती मेरे व्लॉग्स भी देखे। अच्छा, मैं तो जबरदस्ती करके दिखाती हूँ भाई, मैं तो जबरदस्ती करके दिखाती हूँ भाई, जबरदस्ती कहना चाह रही है बिनिश, ये कहना चाह रही है बिनिश ने व्लॉग स्टार्ट किए हैं दूसरे चैनल पे पार्क रिएक्ट्स पे, जिसका नाम अभी चेंज कर देगी बिनिश। हाँ, जब आप लोग के कमेंट्स आएंगे। अच्छा पता है क्या, नाम भी चले आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या रखना चाहिए, नहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि नाम भी आप लोग बताएं क्या रखना चाहिए, इस पे नहीं बताइएगा पार्क रिएक्ट्स में बताइएगा, इसी बहाने कमेंट्स भी आ जाएंगे उसके ऊपर, अब तो ऐसे ही मांगने पड़ रहा है, अब तो व्यूज और कमेंट्स ऐसे मांगने पड़ रहे। अच्छा पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मतलब बहुत से लोग अच्छा उस पे उस वाले चैनल पे हमारे यार एक यहाँ के भी है, क्या है मनदीप है ना शायद, मनदीप कौन, अरे वही वो हमारे चाचा के बेटे नहीं है मनदीप, वो शादी पे ही मारे थे कृष्ण के बाजी यार मनदीप की बात कर रही हूँ, हमारे जो हमारे इसमें सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर है मनदीप, जिनके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस पे भी आके उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन जाने अब बताएं बंदे ने दिल जीत लिया, घर बुला लो बंदे को, ये तो इतना फैन हो गया, घर बुला लो, अब तो हम भी फैन हो रहे हैं, घर बुला लो भैया, दावत तो बुला लो, लेकिन लिटरली मतलब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं हमारे जितने भी वो सब वहाँ पर भी जाएं, आप लोगों को अच्छा लगे, अभी जस्ट मैं वैसे छोटे छोटे क्लिप बना रही हूँ ना कि यहाँ आ रही हूँ यहाँ जा रही हूँ, वो स्टार्ट में मैं करूंगी जब मुझे आप लोगों की मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे आइडियाज दें कि आप लोगों को, अब जैसे हमें भी इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो पता है, थोड़ी जगहों के नाम पता है, आप लोग मुझे जिस तरह से बोलेंगे यार आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, मैं मेरी पर्सनल लाइफ में मैं अपना घर भी दिखाऊंगी, उठना बैठना खाना पीना, मैं जो खाना बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी, उसके लिए आप लोग को 4 घंटे वीडियो देखनी पड़ेगी अगर मेकअप वाला ब्लॉग दिखा, नहीं वो मैं फॉरवर्ड पे लगा के दिखाऊंगी, उसको भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए उसको भी आगे बढ़ाइए, मैं तो ये कह रही हूँ, और जिस तरीके से आप लोग बोलेंगे उसका नाम भी आप लोग मुझे सोच के बताएं, अभी मैंने नाम चेंज नहीं, उसका नाम भी आप लोग मुझे सोच के बताएं कि मुझे क्या रखना चाहिए, उसमें मुझे जस्ट व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल चीजें बताऊंगी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, कभी कभी बासित को भी ले लिया करूंगी मैं नहीं आऊंगा, कभी 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 बासित को ले लिया करूंगी मजाक करी बासित भी कहीं ना कहीं नजर आई जाएंगे पीछे से करते, लेकिन उस पर लाइव भी आया करेंगे हम लोग लाइव, मतलब मैं चाह रही हूँ वो बड़ा अच्छा सा कुछ बन जाए, ये तो हमारा जस्ट जैसे रिएक्शन है ना, इस पर मुझे रिएक्शन करते हैं, अब ये सोचे इस पे हम लोग इस तरीके से बातें करते हैं कितना मजा आता है, और जब उस पे टोटली सिर्फ होंगी बातें तो कितना मजा आएगा। खैर चलिए ठीक है, इस बारे में तो मैं बार बार बोलती रहूंगी, आप लोग याद दिलाते रहूंगी जब तक उस पे कमेंट्स नहीं आएंगे, जब तक चलना चलता, माशाल्लाह अभी भी रहा है 6 हैं सब्सक्राइबर, लेकिन मैं चाह रही हूँ बाकी सब भी, बाकी सब जिनको नहीं पता उन तक बात पहुंच जाए, उनको पता चल रहा है, बाकी सब देखें। चलिए अब मैं भूल गई, मैं समझी हमने वीडियो एंड कर दी, वीडियो देख रहे हैं जी, बासित हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं बिनिश केजीएफ चैप्टर 2 के कुछ सीन्स हैं, रॉकी क्या है तो ये मतलब इसने एंट्री मारी और ये अपनी सीट पर जो इसका मिशन था ना वो आगे बैठ गया, ये अपने मिशन पे आगे बैठ गया, तो नहीं पहले मुझे लगा कि जैसे मतलब कुछ भी नहीं, बड़े बड़े पेट है उनके और कुछ
तुम समझे कोई आर्मर ड्रेस पहना हुआ, लेकिन जब उसने निकल के आवाज लगाई थी तो उसने हाथ में कुछ आ रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या पहने हुए ये लोग, इतना कहीं से फटा हुआ कहीं से सिला हुआ, मेरा ये मकसद था। बाकी ये कि अच्छा ये बड़ी जबरदस्ती एंड थी, मतलब वो अपने मकाम पे आगे बैठ गया जो उसको बैठना था। अब यहाँ से जो आगे कहानी है ना, इसकी कुर्सी के लिए किसी और का सर ना काटे, इतनी मार डाल। अब इसकी पूरी अब इसका दिखाएंगे। अच्छा जो बता रहा है, जो बता रहा है वो बड़ा जबरदस्त यार एक्टर है, ये तो बहुत बड़ा है। साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं हम। अच्छा पार्ट वन में जो होता है बता रहे हैं, ऐसी मूवी नहीं है जिसमें ये ना हो। हर मूवी में यार, मैंने तो हर मूवी में देखा, हर मूवी में कहीं फनी कैरेक्टर में, कहीं सीरियस कैरेक्टर में, कहीं विलन में, मूवी के अंदर जो पार्ट वन में कहानी सुना रहे होते हैं ना, ये उनके बेटे बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एक्टर नहीं, जो पार्ट वन में कहानी सुना रहे होते हैं ना, अब पार्ट टू में ये सुना रहे, वो हॉस्पिटल में तो उनके बेटे बन के आए, आगे की कहानी ये सुना रहे। अच्छा वो वहाँ बता रहे हो, यहाँ पे वो पिक्चर आई थी, बड़ी मार धाड़ वाली। मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऐसी मूवी है जैसे बाहुबली आई थी, कितना मतलब उसको लोग मतलब लड़कों के लिए ज्यादा है अच्छी, लड़की ज्यादा शौक से देखते हैं, लड़कियां देखेंगी तो इसी की वजह से देख लेंगी, तो कह रही लड़कियां देखेंगी तो इसी हीरो की वजह से देखेंगी लाइफ में। मैं अगर अपने ऊपर रख के बोलूं, अगर मैंने देखी तो इसी की वजह से देख लूंगी, अदरवाइज धार धार इसी के ऊपर मूवी बनी थी। गला ऐसे एकदम से कट काटता, मतलब ये काटता दिखाना, कटता दिखाना, ये बड़ा बताओ। अरे भैया अजीब सा लगता है, हकीकत बता रही हूं, मुझे ये सीन बड़ा ज्यादा खतरनाक लगता है, बहुत कोई से भी मतलब इस तरह मारना एकदम, और खासतौर के जो ये इतने साफ साफ दिखाते हैं यूं काटा एकदम से, वो सीन में तुम याद है जो हाथ रखा होता है उसमें मार यार बस कर दे आप ना, पॉलिश शुरू हो जाता है, डिटेल लेके बैठे होता है, यहाँ रख के एक्शन, यहाँ रख के डिटेल बैठे होते हैं, बोले और मैं निकालू, बोले और मैं निकालू, लेकिन खैर एंट्री बहुत जबरदस्त थी। ये लोग इंतजार ही इसका कर रहे थे, ये नंगे वाले। अरे ये मैं सीरियस बोल रही हूँ, मतलब ये लोग कैसे बताऊँ, कौन लोग ये चूना मार रहे थे, ढोल बजा रहे थे, कौन थे ये लोग यार, कहाँ से आते हैं ये लोग चूने वाले, स्वागत कर रहे थे, स्वागत। अच्छा खुदा कमाने कहा जा रहा है, तैयारियां कर रहे थे, मतलब उसी का इंतजार कर रहे थे, उसी की एंट्री का इंतजार कर रहे थे, वो एंट्री हुई वो दिखा रहे थे। लड़की का बड़ा अच्छा सीन था कि मैं दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, मुझे जबरदस्ती उठा कर लिया, लेकिन सबसे अच्छा सीन जो लड़की घूम के स्माइल करके जो आगे फेस किया ना, आए जान ले मतलब, ये तो कहीं लड़कियां अगर देखेंगी ना तो सिर्फ लड़के की वजह से देखेंगी, बाकी ओ भाई बड़े लड़कों में बड़े फिदा हो रहे हैं, क्या बात है, काफी टाइम बाद मिले, समझ नहीं पा रही मैं बासित को कुछ आगे तो, मुझे और बासित को ठीक है ना वैसे, मुझे और बासित को इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी से नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।